वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल डेकोर बाय जयती। आज का टॉपिक आपने देखा ही होगा, ये है समर मेकओवर के ऊपर। तो ये सीजनल मेकओवर, जैसे कि विंटर मेकओवर, समर मेकओवर, ऐसा स्प्रिंग मेकओवर, ये हम लोग क्यों करते हैं, करना क्यों चाहिए, वो मैं छोटे बहुत शॉर्टली मैं आपको बताऊंगी। एक्चुअली क्या होता है कि डे आफ्टर डे, मंथ आफ्टर मंथ, हम लोग जब एक ही डेकोर देखते रहते हैं अपने घर पे, तो हम बोर हो जाते हैं। एक्चुअली वेस्टर्न कंट्री में ये बहुत किया जाता है, वहाँ पे बहुत फेमस है, लेकिन अभी इंडिया में भी हम लोग कर रहे हैं। सीजन मेकओवर करने से क्या होता है, छोटे मोटे दो चार चीज़ हम चेंज कर लेते हैं घर के अंदर, और फिर हो जाता है पूरा लुक चेंजेस। मेनली सॉफ्ट फर्निशिंग के ऊपर ही हम लोग ध्यान देते हैं, तो उसको चेंज करने से सारा जो आपका घर होता है वो फुल चेंज हो जाता है। तो फिर चलिए, मैं कैसे अपने लिविंग रूम, आज मैं आपके साथ मेनली मेरी लिविंग रूम की समर डेकोरेशन जो है वो शेयर करूँगी। तो फिर चलिए, समर डे मेकओवर के लिए मैंने एक्सेसरीज जो लिया है वो लाइट कलर की है, जैसे कि वाइट या पिंक पपोरी, और ज़्यादातर मैंने ग्रीन और एक्वा ब्लू की यूज़ की है, क्योंकि वो समर के साथ बहुत अच्छे से जाते हैं। क्योंकि आप वॉल कलर या आप अपने जो फर्नीचर्स हैं उसको तो ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, तो कर्टेंस या इसके ऊपर कुशंस के ऊपर ही हमें ध्यान ज़्यादा देने पड़ेंगे। आप अगर पॉसिबल हो तो कर्टेन 2-3 सेट बना सकते हैं अपने हिसाब से, जो कि आप सीज़न के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं रेंटेड अपार्टमेंट में रहती हूँ, और मेरी जो जो खिड़कियाँ हैं और जो दरवाज़ा है वो काफ़ी लंबे हैं, सो उसी लिए मैंने एक ही अच्छे क्वालिटी की बनाया है। तो एक डार्क ब्लू मैंने यूज़ किया है, जो कि हर सीज़न के साथ मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। और एक जो मैंने शेयर कर्टेन लिया है वो भी वाइट एंड ब्लू के ऊपर है, सो इसीलिए मैं समर डेकोरेशन या मानसून डेकोरेशंस जो भी होता है वो यूज़ ज़्यादातर ट्राई करती हूँ कि ब्लू एंड ग्रीन की कॉम्बिनेशन में ही हो, तो ये मेरे कर्टन के साथ चले जाते हैं। और फिर इसके बाद आते हैं वॉल कलर। आप ऐसे सीजनल मेकओवर में विश्वास रखते हैं तो वॉल कलर आप जितना न्यूट्रल रखें उतना ही अच्छा है, जैसे कि वाइट, बेज, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, लाइट येलो, एनी शेड्स बट द लाइटर वन। तो उसके ऊपर अगर आप कुछ भी मेकओवर करें, कुछ भी एक्सेसरीज ऐड करें, तो वो अच्छा लगता है। तो अब बारी आती है कुशन की। ये मेरी सोफ़ा है ब्राउन एंड बाकी दो है लाइट ऑरेंज में, तो न्यूट्रल कलर ही मैंने रखा है। तो इसको मैं ब्लू ग्रीन में कैसे कन्वर्ट करूँगी, कुछ चीज़ें ऐड करके, वही मैं आपसे शेयर करूँगी। ऑलमोस्ट न्यूट्रल कलर की रखी हुई है मैंने सब कुछ, जैसे कि ये देखिए मेरे विंटर डेकोरेशन में ये डार्क ब्लू कुशंस थे, सारे डार्क मेरा जो रनर्स थे इनको मैं अभी चेंज करने वाली हूँ। ये विंटर की डेकोरेशन अभी भी पड़े हुए हैं, तो उसको मैंने चेंज करके ब्लू ग्रीन में रखने वाली हूँ। कुशंस आप देख रहे हैं ये सारे ब्लू एंड ग्रीन कलर की कॉम्बिनेशन में ली हुई है, सारे मिक्स एंड मैच में ली हुई है। और इसमें मैंने ट्राई किया है कि सिंपल प्रिंटेड कुशन लें, उसमें कोई टेक्सचर ना हो, क्योंकि गर्मी में टेक्सचर वाला कुशन मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, मेंटेन करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये है दरी, मैं कारपेट और नहीं यूज़ करूँगी, अभी दरी यूज़ करूँगी मेकओवर में। तो ये भी ग्रीन एंड थोड़ा सा लाइट कलर की जो होता है आर्दन कलर की, वही मैंने यूज़ किया है समर मेकओवर को नज़र पे रखते हुए। तो इसको अभी हम इसमें फ्लोर में लगाएंगे, उसके बाद आप देखिए ये जगह कलर थोड़ा सा कितना चेंज हो जाता है। ये कुछ
कुशन में थोड़ा सा टेक्सचर है, ये भी लाइट कलर का लिया है, कुशन कवर मैंने चेंज किया छोटा वाला, लेकिन इसमें थोड़ा सा टेक्सचर है, लेकिन ये सिर्फ मैं हम लोग शू पहनने के लिए यूज़ करते हैं ये एरिया को, तो थोड़ी देर ही बैठते हैं, सो इसीलिए तो मैंने सोचा ठीक है कुशन पसंद आई थी तो मैंने ले ली। तो सोफ़े के सामने मैंने ये ग्रीन वाला कारपेट या दरी जो यूज़ किया है, और ये सारे हैं मेरी रनर कलेक्शन समर के लिए। अब मैं देखती हूँ कहाँ कौन सा यूज़ करूँ। तो सेंटर टेबल के लिए मैंने ये वाली पसंद किया है रनर, आप बताइए कैसे लग रहे हैं। और इसके समर डेकोरेशन में ना थोड़ा सा लाइट वुड कलर की कुछ भी ट्रे या कुछ भी आप अगर यूज़ करें नीचे का ट्रे तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो इसके साथ मैं वैसे ही ब्लू कलर की एक पॉटरी यूज़ कर रही हूँ जो कि मैं पौंडीचेरी से लाई थी, एक ग्रीन एप्पल का जो खुशबू वाला एक ऐसा मिलता है होम सेंटर में, ये कैंडल वो भी मैंने यूज़ किया है, एक क्रिस्टल, एक टॉर्टोइज़ यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास दो टॉर्टोइज़ है, एक ब्लू पॉटरी की है वो भी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और ये जो है ये मेरी बहुत पसंद की है, मैंने होम से ये सॉरी वेस्ट साइड से ली थी मैंने, एक मोज़ाइक का ये एक कोस्टर टाइप की है, ये भी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और उसके ऊपर ऐड कर रही हूँ एक सी शेल जो मैं थाईलैंड से लाई थी, ये ऑप्शनल है, आप अगर कुछ नहीं है तो कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जगह कुछ ऐसा दिख रहा है, अभी मैं थोड़ा सा पिंक कलर की फ्लावर ऐड कर रही हूँ ये जगह को पॉपअप करने के लिए। तो अभी इसको और दो चार भी देना होगा, मैं ढूंढती हूँ कहाँ पे है, तो कुछ ऐसा लग रहा है जगह, मैं सोच रही हूँ और दो चार फ्लावर भी यहाँ पे ऐड कर दूँ। अब मैं ये कैंडल को भी चेंज कर रही हूँ, ये मेरी एक बोहो कॉर्नर है वहाँ का कैंडल स्टैंड में कैंडल मैं चेंज कर रही हूँ, वो भी ब्लू कलर में। ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है ये एक बेसिकली कैंडल होल्डर है, बट उसमें उसको मैं फ्लावर वर्स की हिसाब से यूज़ कर रही हूँ, ऊपर एक वाइट फ्लावर लगा रही हूँ समर को नज़र रखते हुए। और ये एक वुडन ट्रे है, ये कुछ ट्रे आप खरीद सकते हैं या इसको कलेक्ट कर सकते हैं, और इस ट्रे को आपने सीज़न के हिसाब से इसको सजा भी सकते हैं, जैसे मैं इस सीज़न के हिसाब से लाइट ग्रीन कलर की एक डिकेंटर यूज़ कर रही हूँ, उसके साथ मेरा दो ब्लू पॉटरी के दो छोटे छोटे बॉक्सेस थे जो इस डेकोरेशन के साथ अच्छे लग रहे हैं, और थोड़ा सा समरी फील भी हो रहा है, तो ये मिक्स एंड मैच करके मैंने ट्रे सजा दिया है। क्योंकि सारे एक्सेसरीज तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो कुछ कुछ एक्सेसरीज ऐसे चेंज करके आप एक बड़ा सा चेंज ला सकते हैं। तो मेरी डाइनिंग टेबल में मैं ये वाला रनर यूज़ कर रही हूँ, रनर भी बहुत सिंपल और बिना टेक्सचर वाला ही यूज़ कर रही हूँ, मेनली कॉटन की यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये समर के साथ जाते हैं। समर के इस हिसाब से मैंने एक वाइट ट्रे डाइनिंग टेबल में ऐड किया है, और वो जो फ्लावर वाज अभी मैं अरेंज किया था वो मैंने इसके बीच में रखा है, और ब्लू कलर के दो कुछ एसेंशियल्स की जो छोटे छोटे ग्लास जार होते हैं वो भी ऐड किया है। तो ये जगह मैंने डेली की यूज़ के लिए बहुत फंक्शनल रखा है, कोई स्पेशल अरेंजमेंट यहाँ पर नहीं रखा है। तो ये सारे मैंने जितने भी रनर्स थे सब चेंज कर दिए, सब ग्रीन में ही कर दिए हैं, तो मेरे पास काफ़ी सारे ग्रीन रनर्स रहते हैं, तो ये अभी ऐसा लग रहा है होल लुक आप देख सकते हैं। ये जगह का पूरा मेकओवर मैंने दूसरी वीडियो में दिया है, अगर आपको चाहिए तो आप नीचे मैं लिंक दे दूंगी, चेक कर सकते हैं। ये मेरी एक रैक जैसा है जो मैं दिखा रही थी थोड़ी देर पहले, वही है।
तो ये है मेरा होल सेटअप आफ्टर मेकओवर। सो मैंने कुछ और पिंक फ्लावर पॉपोर से लेके यहाँ पे ऐड कर दिए हैं और ये जगह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फ्रेश भी फील हो रहा है ये जगह को देख के। एंट्रेंस के यहाँ जो मेरे शू रैक है वहाँ पे मैंने ऐसे ग्रीन रनर्स लगाए हैं, तो यहाँ से अंदर का जो व्यू होता है वो मैं आपको अभी शेयर कर रही हूँ। तो ये रहा मेरा समर मेकओवर। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। तो आज से आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय।